नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव्स विद किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा मीठा जो दिवाली पर बनाया जाता है और लोग बहुत ही पसंद करते हैं इसे खाना। तो आप इसे बना सकते हैं, घर के ही सामान से ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अभी दिवाली भी आने वाली है तो दिवाली पर ये बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो ये कैसे बनाया जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम परात ले लेंगे या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं बड़े वाला। उसमें यहाँ पर 3 कप मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है। इसे हम गेहूँ के आटे में बनाएंगे जिससे हम डेली रोटी बनाते हैं। अभी आधा कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है, आधा कप यहाँ मैंने चीनी ली है। अभी 2 इलायची डाल देंगे इसके अंदर। अभी ढक्कन लगाकर इसको पीस लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक से पीस लिया है। अभी जो हमने आटा लिया है उसी में ये मिला देंगे। अभी थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो मीठा है वो बैलेंस हो जाए। 2 से 3 चुटकी नमक डाल दिया मैंने। अभी हाथों से इसको मिला लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप घी लिया है। घी डालने से बहुत ही खस्ता बनेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए घी डालकर अच्छी तरह से आटे को मिला देंगे। मसल मसल कर सारे आटे में घी को मिला लेते हैं। अभी यहाँ पर नॉर्मल पानी लेना है। उसके बाद यहाँ पर चिपा हुआ था थोड़ा सा मैंने घी वो भी लगा लिया है। और यहाँ पर अभी अच्छी तरह से ये देखिए घी मैंने आटे में मिला लिया मसल मसल कर अच्छी तरह से। अभी आटे को हमने तैयार करना, जैसे इसका डो बनाना है, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं ना वैसा ही डो बनाएंगे इसका। अभी यहाँ पर मैंने सिंपल पानी लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटे को हम तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी का आटा हम डेली तैयार करते हैं वैसा ही आटा हमने इसका भी तैयार करना है। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये आटा तैयार हो चुका है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आधा आटा लिया मैंने। अभी इसको ऐसे ऐसे सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये क्रैक आ जाए बीच में कोई दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये सब अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आटे को तैयार कर लेना है। अभी इसके हम पीस कट करेंगे चाकू की सहायता से। देखिए एक समान 1-1 इंच के जैसे इतने हम इसके पीस कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे लगते खाने में ये। आप इन्हें बहुत सारे बना कर रख सकते हैं, महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रहते हैं ये खाने, बच्चों को खास कर पसंद आते हैं। बच्चों को छोटी भूख होती हो तो भी आप उन्हें ये खिला सकते हैं। और दिवाली भी नज़दीक है तो आप ये बनाकर ज़रूर रखिएगा घर पर। और ये देखिए यहाँ पर सारे पीस मैंने बना लिए। अभी प्लेट में सारे पीस को हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से सारे पीस हमने कट कर लिए हैं। अभी जो बचा हुआ आटा है सामान, उसका भी ऐसे ही आटे को हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आसान है ये बनाने, आप एक साथ बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप जैसे यहाँ पर मैंने चीनी डाली है, आप इसमें जैसे गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसके भी हम पीस कट कर लेते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने पहले कट किए थे। देखिए इस तरह से ये सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे।
कितने अच्छे बने हैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं और झटपट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनमें। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं। कैसा गर्म है ऑयल, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पीस डाल दिया था। अब इसको निकाल कर हम रख देंगे और जो हमने पीस बनाए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। जितने आराम से कढ़ाई में आ जाए उतने डालेंगे। और ये अच्छा गर्म होने के बाद यहाँ पर गैस को मीडियम से लो कर देना है ताकि धीरे धीरे पकेंगे तो अच्छे पकेंगे अंदर तक। तो यहाँ पर देखिए मीडियम मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, अभी गैस को मैंने मीडियम से लो कर दिया है। और जितने आराम से पीस आ गए हैं उतने ही मैंने डाले हैं। अभी 1 से 2 मिनट तक इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें हम पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे से ये गोल्डन हो चुके हैं हल्के, तो इन्हें दूसरी तरफ ऐसे कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पलट देना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएं। ये सारे को ऐसे ही हम पलट देंगे और 2 से 3 मिनट तक इनको पकने देंगे। जल्दी ही पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बहुत ही अच्छे लगते खाने में। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं हल्के हल्के, ये अभी दूसरी साइड से भी नहीं पकने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका। देखिए अभी इनको हम निकाल लेते हैं, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इनको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए सारे निकाल लिए हैं, अभी दूसरा बैच भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, तो ऑयल में ऐसे डाल देंगे। बचे हुए भी सेम ऐसे ही पकाने हैं, 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट देना है। उसके बाद ये धीरे धीरे पकेंगे, बिल्कुल गोल्डन कलर हो जाए इनका, तभी इन्हें निकाल लेना है। अभी इनको पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह से पलट देना है। और ये देखिए ये पक चुकर तैयार हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी और एकदम स्वादिष्ट ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स बने हैं। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मीठा इनका टेस्ट रहता है। अब दिवाली पर लोग इन्हें बनाते हैं, खाते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, खिलाइएगा सभी को। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।